जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। सबसे पहले राशि है मेष। आज मेष राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं, सुखद समाचार की प्राप्ति एवं राजनीतिक क्षेत्र से सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरी राशि है वृक्ष राशि वालों को आज व्यर्थ की धन हानि या किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पदोन्नति पद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आपको धार्मिक अनुष्ठान के प्रति विशेष लगाव हो सकता है, धर्म के प्रति रुचि रखेंगे एवं अटका हुआ काम सिद्ध और संपन्न होगा। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन जैसे कि घर में स्त्री पक्ष आदि से कलह की स्थितियां बन सकती हैं और मात्र पितृ का सुख प्राप्त हो सकता है एवं किसी पद पर प्रतिष्ठित है तो आपको स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन पूर्व से कोई कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ प्राप्त होगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति किसी बात को लेकर के हो सकती है अथवा घर में कलह का माहौल किसी बात को लेकर के बन सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको आज धर्म प्रति विशेष अनुष्ठान आदि में लगाव होगा एवं अटका हुआ पैसा या कोई काम सिद्ध और संपन्न हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन भूमि वाद विवाद चला रहा तो समाप्त हो सकता है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी कम होगी, पूर्व से किसी पद पर प्रतिष्ठित हो तो नए पद की प्राप्ति होगी एवं कोई नए शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, आज आप किसी वाद विवाद से बचें, झगड़े टंटे किसी व्यर्थ के कार्यों से दूर ही रहें तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा आपका आज का दिन। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन कोई घरेलू समस्या को सुलझा सकते हो या किसी घरेलू कोई विशेष कार्य को पूर्ण रूप से निभा सकते हो, बड़े दायित्व को, जो कि बड़े उच्चतम शिखर की ओर जा सकते हो इस माध्यम इस काम को लेकर के। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन दुकान करते हो या व्यापार उसमें लाभ प्राप्त होगा, घर में सुखी वातावरण होगा एवं आज आप कहीं अन्यत्र भ्रमण घूमने के लिए भी जा सकते हो, ऐसा शास्त्र का मत है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।